नमस्कार दोस्तों, मैं अजितेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रेलवे जोन के बारे में कि कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। मैंने YouTube पर पहले भी दो तीन वीडियो देखा है, लेकिन वो जो कोई तंत्र मंत्र देते हैं वो मंत्र याद होता नहीं है, पहले एग्जाम में आप भूल ही जाइएगा। तो मंत्र को छोड़िए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको डायग्राम बना करके याद करते हैं तो एकदम कंफर्म याद हो जाएगा और एक नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि ये हर एग्जाम में, हर रेलवे के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि कौन सा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पहले आप ये देख रहे हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है, इसी तरह आप भी एक डायग्राम अपने रफ पेज पे या किसी भी पेज पे बना लीजिएगा, जिसमें कि एक अगर आप मैप देखते हैं तो मैप में दाहिने साइड क्या होता है, पूरब होता है, और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो पहले आप बस चार मुख्यालय का ही नाम याद कीजिए पहला बार में, फिर तो अब आपको करना क्या है कि इसमें से जो चार है उसको याद कर लेना है। पहले पूर्व रेलवे, पूर्व यानी कि दाएं तरफ क्या आता है, कोलकाता, यानी कि पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई, क्योंकि पश्चिम में मुंबई है, उत्तर रेलवे न्यू दिल्ली, और दक्षिण रेलवे चेन्नई, और मध्य रेलवे मुंबई वीटी। मध्य में कौन रहेगा, मुंबई वीटी, ऐसे भी मुंबई देश का जान कहा जाता है, सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी जो में मजबूत राज्य है वो मुंबई ही है, तो मुंबई सेंट्रल में रहेगा। तो पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई, उत्तर रेलवे न्यू दिल्ली, और दक्षिण में है चेन्नई। अब क्या करेंगे कि तीनों के बीच वाला जो है, तीनों के बीच में वो वाला याद करेंगे, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, और पश्चिम मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे क्या क्या होता है, फिर वो याद करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, मध्य में देखेंगे क्या क्या है। तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, तो इधर पूर्व तो इधर भी पूर्व, यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ठीक, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, इन्हें बाद तो इन्हें भी बाद, तो दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। तो ये चार हम लोग का फिर याद हो जाएगा, जब हम लोग का ये चार भी याद हो जाएगा, यानी कि मध्य वाला भी याद हो जाएगा, तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, एनेपुर तो एनेबीपुर, तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, एनेबाद तो एनेबीबाद, तो दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दो तीन बार आप डायग्राम बनाइएगा पहले, जब ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तब फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो फिर ये भी भूल जाइएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट अब आगे क्या करना है। जब हम लोग का वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, बीच से दो लाइन खींचेंगे, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। जब बीच से लाइन खींचेंगे उसके बाद क्या होता है कि पूर्व से उत्तर की ओर जाएंगे, तो पूर्व उत्तर रेलवे, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, ठीक है, यानी कि पूर्व से उत्तर की ओर जाएंगे, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, यानी कि बीच का लाइन में क्या आ जाएगा, गोरखपुर। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कहता है, तो सीमा पर तो क्या होता है, गांव वगैरह सब कहाँ होते हैं, किसी भी टाउन में घुसने से पहले जब जाते हैं हम लोग तो पहले गांव होता है, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव, ठीक है, और पूर्वोत्तर रेलवे बोलेगा तो गोरखपुर। फिर उत्तर से पश्चिम की ओर जाएंगे हम लोग, तो उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे क्या हो जाएगा, जयपुर। तो या इसको क्या करना है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये नहीं कि हम एक ही बार में सब कर लेंगे, एक ही घंटा में कर लेंगे तो नहीं होगा। पहले आपका जब चार कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मध्य वाला याद करेंगे, जब मध्य वाला कंप्लीट हो जाएगा और बिना देखे हम डायग्राम बना सकेंगे तब हम बीच का लाइन खींचेंगे, उसके बाद ये करेंगे, नहीं तो आपका सब मिक्सचर हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, कुछ याद नहीं हो पाएगा। तो जब पहले आपका चार याद हो जाएगा फिर मध्य वाला याद करना है, जब मध्य वाला में भी कंफर्म याद हो जाएगा तो फिर बीच से लाइन खींच करके फिर आगे का नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो पूर्वोत्तर रेलवे हो जाएगा गोरखपुर,
उत्तर पूर्व रेलवे जयपुर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण पश्चिम रेलवे, इधर से इधर आइए तो दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली हो जाएगा, हुबली। और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता हो जाएगा। तो जब आप जो थर्ड स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम चौथे स्टेप में जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम आगे का स्टेप नहीं बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को क्या करना है, पहले चार याद करना है, फिर मध्य वाला याद करना है, जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा फिर ये वाला याद करेंगे। और देखिए कोई मंत्र उन्द्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको दो तीन बार डायग्राम बना लेंगे एकदम कन्फर्म याद रहेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और 30 सेकंड के अंदर आप उसका जवाब देंगे, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया है बस आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि यूट्यूब पर तो मैंने देखा था जो तंत्र मंत्र था वो एकदम याद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से डायग्राम बनाया समझा, और आप भी ऐसे कीजिए कन्फर्म होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा आगे क्या करना है, जब आपका ये कम्प्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। अगला स्टेप होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो ये मध्य में क्या आएगा, विलासपुर। और एक आखिरी हम लोग का बसता है पूर्व तटवर्ती रेलवे, तो पूर्व में तट पे क्या होगा, तो ये आपको याद करना होगा भुवनेश्वर, तट लगा रहे तो भुवनेश्वर। तो देखिए दोस्तों पूरा हमारा जोन जो है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े और पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको दो से तीन बार डायग्राम बनाइए, पहले चार बनाइए, जब चार कंप्लीट हो जाए बिना देखे बना सकते हैं, फिर जाकर के मध्य वाला बनाइए, जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर क्रॉस वाला करके बनाइए और देखिएगा आपको तीन चार से चार बार में आपका ये पूरा कन्फर्म याद हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं और आप लोगों के कुछ थोड़ा बहुत काम आ सकूं। धन्यवाद।